वक्त ने मुझे परसाया, परंतु परेशान नहीं हूं मैं। इन छोटी छोटी चीजों से हार जाऊं, वो इंसान नहीं हूं मैं। इन्हीं बेहतरीन लाइनों से आज की क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। आज की क्लास जो जनरल साइंस की क्लास है, जो जनरल साइंस में हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, उसमें हम आगे चलेंगे। अब आगे क्या चलेंगे, हमने कल क्या पढ़ा था, कल की क्लास में उससे आगे बढ़ेंगे। देखो तो अणु परमाणु के बारे में हमने पढ़ा था, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। थोड़ा मैं पिछली क्लास का देख लेता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। रिवीजन तो सबसे जरूरी चीज है। तो बने रहिए क्लास में, आनंद लीजिए। कहीं कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट करके बताइए, बाकी आपको आनंद आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 1808 में, यानी जाट के ठाट 1808 में, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या था, जॉन डाल्टन। उसने क्या दिया था, एक परमाणु सिद्धांत दिया था। सबसे पहले परमाणु नाम भी उन्होंने दिया था, एक और बंदा है उसने दिया था, परंतु वो नहीं मानते, हम ये मानते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, जॉन डाल्टन ने ही बताया, ठीक है। इसने कुछ चीजें बताई थी, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे पिछली क्लास में। 1808 से लेके 1886 में एक महत्वपूर्ण चीज हुई। उस टाइम एक व्यक्ति आया, कौन, गोल्डस्टीन। ये गोल्डस्टीन ने क्या कहा कि यार परमाणु में ना कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, ये चीज आपके काम कब आएंगी, जो प्रोटोन आगे हम पढ़ेंगे, प्रोटोन के खोजकर्ता तो यही है, परंतु कभी कभी आपके ऑप्शन में लिख जाता है रदरफोर्ड। एक्चुअली रदरफोर्ड ने केवल नाम दिया था, खोज तो गोल्डस्टीन ने उससे पहले कर दी थी, परंतु वो नाम नहीं दे पाए थे, ठीक है। इस चीज के बारे में बात की थी। फिर हमने कहा 18, यहाँ पे एक जोड़ो 9, यहाँ पे एक जोड़ो 97। इस टाइम क्या आते हैं, इस टाइम आते हैं जेजे थॉम्सन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने खोज कर दी थी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की खोज की। पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जेजे थॉम्सन ने की। कब की, 1897 में की, ठीक है। और एक ही इसी तरह से 1898 में क्या, जेजे थॉम्सन ने एक मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग, एक मिठाई का नाम है प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल जिसे कहते हैं। तो ये चीजें हमने बता दी थी पिछले क्लास में, और मैंने कहा था कि अब जो गोचेबाज है, सबसे बड़ा गोचेबाज हुआ आएगा, जिसका नाम है रदरफोर्ड। जो मैंने कहा था ना, प्रोटोन के नाम दाता कौन है, वो रदरफोर्ड है, तो ठीक है। तो रदरफोर्ड के बारे में देखते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल देखते हैं, रदरफोर्ड का सोने का मॉडल भी कहते हैं, है ना। तो इस मॉडल में था क्या, कि ऐसा इसने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया उसको मानने लगी। केवल रदरफोर्ड ने नहीं किया था, रदरफोर्ड उसके चेलों ने किया था, मतलब शिष्यों ने किया था, ठीक। उन्होंने क्या किया, एक सोने के पहले तो एक पीस ले लिया, मान लो सोने का पीस ले लिया। ओहो, इंक साई, क्या बात है, रदरफोर्ड को याद आई इंक साई। कोई नहीं, ये क्या था, रदरफोर्ड ने क्या लिया, एक सोने का पीस लिया, उसकी पन्नी बनाई, पतली बनाई। क्यों सोने का क्यों लिया, क्योंकि आघात वर्धनीय होता है सोना। आप सोने को कितना भी पतला कर सकते हो, आप देखते होंगे ना, चांदी भी कितनी पतली हो सकती है, वैसे सोना तो और भी ज्यादा पतला हो सकता है, इसीलिए सोने की पन्नी ली। और कोई कारण नहीं था स्पेशल के महंगा है तो इसलिए ले लेंगे, अच्छा महंगी चीजें अच्छी होती है, ऐसे नहीं। कारण केवल सिंपल सा यही था कि सोना आघात वर्धनीय होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक सोने की क्या ले ली, पन्नी ले ली, मान लो इस तरह की एक पन्नी ले ली, ठीक है। पन्नी पे किसके अटैक कराए, यहाँ पे उन्होंने अटैक कराए बम्बार की। बम्बारी किसकी की, उन्होंने की अल्फा कणों की। क्या करी, बम्बारी की। बम्बारी मतलब यहां से अल्फा कण निकल रहे, बम्बारी, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, एक पर्दा लगा दिया उन्होंने, किसका पर्दा लगाया, जेडेनस का, जिंक सल्फाइड। ये जिंक सल्फाइड का क्या पर्दा लगा के क्या फायदा मिला क्या नहीं मिला वो हम बात करते हैं। देखो अल्फा कण होते क्या, पहले ये समझो, अल्फा कण कुछ नहीं होते, हीलियम का नाभिक है। नाभिक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, हीलियम के नाभिक की चर्चा करेंगे। आप तो इतना समझ लो कि ये क्या है, धनावेश है। धनावेश बोले तो क्या है, कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, इतना समझ लो। अब देखो हर चीज को थोड़ा थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में थोड़ी कहानी बन जाए, ताकि चीजें याद रहे, नहीं तो याद करने के लिए बहुत सारी चीजें। क्या हुआ, उन्होंने बमबारी की अल्फा गणों की, यानी कुल मिला के कुछ पॉजिटिव फेंका जा रहा है, ठीक है। इधर एक सोने की पन्नी लगाई थी,
इतनी पतली पनी थी कि इसकी मोटाई इतनी 10^-7 मीटर, मतलब एक के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने जीरो लगा, इतनी मुपतली पन्नी ली थी किसकी, सोने की ली थी है। अब ये पर्दा क्यों लगा है, देखो यहां से कुछ जाएगा इससे टकरा के वहां जाएगा, तो यहाँ पे कुछ कुछ पर्दा लगा हुआ होगा ना, तो जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाने से यहाँ पे जो अल्फा कण जब इससे टकराएंगे, अल्फा कण इससे टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होती है, एक रोशनी टाइप में हो जाएंगी, चमक लग जाएगी, चमक जिससे पता चल जाएगा कुछ कि यहाँ पर्दे में पता चल जाएगा कि कोई अल्फा कण आया है नहीं आया। ठीक है, सारा अटैचमेंट आप समझ गए बनाया हुआ। अब क्या किया, पहली चीज ये समझो, मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब दो पॉजिटिव आपस में पास में आते हैं ना तो क्या कहते हैं, ना भाई आपा ना कोई नहीं, एक गोत्र के हैं ये, इसलिए इनमें क्या होता है, विपल्सन। क्या विपल्सन, यानी विपल्सन को हिंदी में क्या, विरोध, मतलब विरोध है, आप नहीं आ सकते एक साथ, अलग-अलग, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या करते हैं आपस में, आकर्षण। ये तो प्रकृति का नियम है जो कि कई दिनों में बदल रहा है धीरे धीरे, कोई नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आकर्षित होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर मैं कह दूं नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, विरोध, मतलब मान लो एक ये पॉजिटिव का है और एक ये पॉजिटिव है, दोनों पास लाने की कोशिश करेंगे ना, ये कहेंगे नहीं आप दूर जाएंगे दूर जाएंगे, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होंगे तो चप देंगे चिपक जाएंगे, जैसे एक चुंबक चिपकती है। तो आई बहुत आपकी कहानी समझ में थोड़ी थोड़ी आई होंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, खेला क्या हुआ, देखो हीलियम क्या था, हीलियम क्या था, हीलियम था पॉजिटिव। ठीक है, हीलियम का नाभिक, नाभिक मतलब आगे बढ़ेंगे। अब देखो सोने की पन्नी है, तो सोने की पन्नी में क्या होंगे, छोटे छोटे इसके क्या होंगे, सोने के एटम्स होंगे। ठीक है, तो मैं एक एटम लेके चलता हूं भी, एक एटम है ये। ठीक है, तो इसने जो ये प्रयोग किया है तो इससे क्या पाया इसने, कि देखो इसने ये पाया कि जो अल्फा कण आ रहे थे ना, तो कुछ तो अल्फा कण एकदम, जैसे मैं एक एक एटम को लेता हूं ताकि आपके ज्यादा अच्छे समझ में आए, तो अधिकतर तो अल्फा कण कहां चले गए, सीधे सीधे चले गए। ठीक है, और कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ क्या हुए, इस तरह विकसित हो गए, मतलब अपनी दिशा उन्होंने बदल ली, और एक, या मैं यूं मानूं कि बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम संख्या में क्या हुए, वापिस घूम के वापिस आके यहाँ आ गए। ये क्या हुआ, इससे क्या पता चलता है, ये समझने की कोशिश करना, ज्यादा गहराई में जा रहा हूं मैं, समझ पा रहा हूं कि आपके दिमाग के ऊपर से जा रही है चीजें, पर तो क्या करें, थोड़ा थोड़ा तो जाना पड़ेगा यार, समझाता हूँ वापिस समझाता हूँ, देख समझ में नहीं आई ना कहानी, कोई नहीं, इतना बड़ा सेटअप समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं, अब सेटअप समझ में आ गया तो पूछा जाता है कि किसका पर्दा यूज किया था रदरफोर्ड ने, तो याद रखना जिंक सल्फाइड का किया था, किसकी पन्नी यूज की थी, सोने की पन्नी की थी, किसका बमबारी किया था, अल्फा कणों की बमबारी की थी। अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक मतलब धनावेश होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दी। अब मैं कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो उसने क्या कहा कि यहां से अल्फा कण जा रहे हैं, कुछ तो एकदम सीधे, अधिकतर क्या चले गए, सीधे चले गए, ऐसे सीधे चले गए, बहुत सारे क्या चले गए, ऐसे सीधे सीधे चले गए, मतलब सीधे जाने का मतलब क्या हुआ, मुझे बता, सीधे जाने का मतलब क्या हुआ, यहां से कुछ पॉजिटिव जा रहा है जो सीधा जा रहा है, केवल कोई याद ना, तो कोई अट्रैक्ट करने वाला है, कोई ना विपल्सन करने वाला है, मतलब विरोध करने वाला है, तो ये कब जाएगा, जब ये भाग क्या हो, खोखला हो, यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन हो ना प्रोटॉन हो। ठीक है, कुछ जो कुछ थे वो क्या हुए, अपनी दिशा बदल दी उन्होंने, ऐसे करके ऐसे चले गए, या कुछ ऐसे करके ऐसे चले गए, ये कब हुआ होगा, कब होगा ये, अपनी दिशा कब बदल सकता है, एक पॉजिटिव के पास ही जाएगा तभी तो दिशा बदलेंगे, ये दोनों इधर जा रहे हैं तो दिशा बदल लेंगे अपनी, है ना, पास नहीं आएंगे, तो मतलब कुछ पॉजिटिव भाग भी अंदर रहा होगा। ठीक है, इस पॉजिटिव भाग को क्या कहते हैं, आगे नाभिक कहते हैं, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और एकमात्र एकमात्र एटम क्या हुआ, ऐसे जाके वापस इसी राह में आ गया, ऐसे गया था और वापस इसे आ गया, मान लो कि ये एक है, ये 50 है ना, तो ये 18 जा रहे, मान लो 18 जा रहे हैं, तो ये मात्र एक है, तो मतलब इतना समझ में आया कि इससे क्या समझ में आया, जो जो चीजें आपको समझनी चाहिए,
एक परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है, खोखला होता है, तभी तो ये एटम सीधे से अल्फा कण धनावे सीधा सीधा चला गया। और उसके मध्य में बहुत ही कम जगह में, बहुत ही कम जगह में यानी मध्य में क्या होता है, पॉजिटिव आता है, कुछ पॉजिटिव होता है। अब क्या होता है वो नहीं बताएंगे अभी। उन्होंने क्या क्या, जो भी परमाणु का पॉजिटिव भाग है धनावेश है वो इसके मध्य में स्थित होता है, ठीक है, और बाकी सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये बातें किसने की, रदरफोर्ड ने की थी। तो मॉडल्स ज्यादा गहराई में नहीं समझने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जो जो अब मैं बताने वाला हूँ ना वो चीजें ध्यान रखना। तो अब मैं बताऊंगा आपको क्या क्या उसके रिजल्ट थे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या क्या परिणाम निकले, उन बारे में हम देखते हैं अब रदरफोर्ड का मॉडल। अभी तक आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं क्या तो इस ऑब्जर्वेशन रही, उनका क्या रिजल्ट रहा, ठीक है, क्या परिणाम रहे हैं, क्या उसको दिखा जिससे उसने वो परिणाम निकाला, ठीक है। तो पहली चीज तो देखो, मैंने अभी क्या कहा था, अधिकांश अल्फा कण क्या चले गए थे, सीधे चले गए थे। कुछ इस तरह का डायग्राम था ना, भी इस तरह का बीच में, और सारे अधिकांश क्या चले गए थे, सीधे चले गए। इससे क्या पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। ध्यान रखना ये लाइनें सीधी सीधी पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, गौर करके पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना ये ना ही होगा यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और मुझे पक्का विश्वास है आप पढ़ोगे, मुझे विश्वास है आप पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग में जोर लगाओगे, जहां समझ में नहीं आता तो मुझे वापिस कमेंट करके पूछ लो, मैं और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, समझना जरूरी है। दूसरा, बहुत कम अल्फा कण क्या हुए थे, 180 डिग्री पे विक्षेपित हुए। 180 मतलब ये कौन क्या है, ऐसे आके ऐसे, ये पूरा कौन क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो बहुत कम अल्फा कण क्या हुए, 180 डिग्री पे विक्षेपित हुए। इससे परिणाम क्या मिला, देखो कोई पॉजिटिव यहां से जा रहा है तो वहां पे कुछ तकड़ा पॉजिटिव होने चाहिए, तो सारे पॉजिटिव मिलकर क्या उसको वापस धक्का मार देंगे, है ना। तो ये चीज हुई कि परमाणु का धनावेश और द्रव्यमान कहां पे होता है, परमाणु के केंद्र पे होता है, और केंद्र पे केंद्रित होता है, इसी कारण वहां पे वापिस आ गया था, ठीक, ये चीज होगी। अब कुछ इंपोर्टेंट लाइन्स हो रहे हैं वो भी ध्यान रखो। उन्होंने क्या कहा था रदरफोर्ड ने, कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि धनावेश तो मध्य है, बीच में बैठा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों तरफ यूं चक्कर लगा रहा है वर्ताकार कक्ष में, ठीक है। मान लो ये अपने जैसे ये समझ लो कि अपना हाथ है और गेंद अपन घुमाते हैं ना, तो जैसे अपना हाथ है वो तो धनावेश है, और जो गेंद घूम रही है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक रस्सी से बांध के पत्थर घुमाया नहीं करते थे, डेरिया डेरिया गालते नहीं थे क्या तुम पत्थरों के बीच में, वही कहानी है, ठीक है। आगे चलो, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये बात एक बार पहले भी की थी और अब वापिस कह रहा हूं कि परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था ना, इसको क्या कहा गया था, सौर मॉडल भी कहा गया था। सौर मॉडल कैसे, सूर्य होता है, हम सूर्य है, मान लो मैं सूर्य हूं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी लगा रही है, बृहस्पति लगा रहा है, शुक्र लगा रहा है, मंगल लगा रहा है, वही शुक्र मंगल है, और ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, और बीच में जो सूर्य है वो क्या हो गया, धनावेश हो गया, इसलिए इसको सौर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। अब ठीक है भाई साहब, ये बातें कह दी रदरफोर्ड ने, तो कह दिया देखो मैंने इतनी सारी बातें बता दी तुमको, तुम क्या डाल्टन करते थे, मैंने तुम्हें डाल्टन वाला सारा मॉडल खत्म कर दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन सॉरी इसी में उन्होंने फिर आगे बताया कि ये प्रोटॉन क्या होते हैं, धनावेश, और कुछ नहीं, इसका नामकरण कर दो, ऐसे लावारिस नहीं रखेंगे, इसका नाम दे दो प्रोटॉन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इनको, डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। प्रोटॉन कह दिया, परंतु यार एक आदमी आया, उससे कहा कि भाई साहब आप कहते रहे हो कि ना कि बीच में तो धनावेश होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है, तो घूमते घूमते उसको चक्कर नहीं आएंगे, है इंसान कब तक घूमता रहेगा, जीवन भर घूमता रहेगा क्या, चक्कर आके अंदर नहीं गिर जाएगा, मतलब उसकी जब कोई चीज घूम रही है तो उसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी, कुछ अपनी एनर्जी यानी एनर्जी हिंदी ऊर्जा को खत्म करेगा, और वो घूमता घूमता इस तरह क्या करेगा, घूमता अंदर इसमें आके गिर जाएगा, इसमें गिर जाएगा तो मतलब फिर बात खत्म, कहानी खत्म, फिर तो कोई परमाणु रहेगा ही नहीं, तो कोई धरातल में कोई वस्तु कोई पदार्थ नहीं रहेगा, तो स्थायित्व नहीं बता पा रहे कि ये स्टेबल कैसे है, ये रदरफोर्ड बता नहीं पाए। देखो मैं ये चीज समझाता हूँ, पत्थर लिया घुमाया, थोड़ा सा घुमा के छोड़ दो उसको, फिर धीरे 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 चक्कर खाता खाता वापिस कहाँ अपने हाथ के पास आ जाता है,
क्यों? एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं। तो इस चीज को समझा नहीं पाए, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि रदरफोर्ड निम्न में से किस चीज को नहीं समझा पाए, तो वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। ठीक है, अब आगे देखो। अब आगे उसने क्या कहा, इस बात को सही करने एक व्यक्ति आता है 1913 में, जिसका सन नहीं बता रहा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और इम्पोर्टेंट सन बहुत ही कम है, मत याद करो भाई सन, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो फिर भी याद कर लेता हूँ, तो 1913 बता देता हूँ। ठीक है, 1913 में एक व्यक्ति आता है नील्स बोर से क्या समझते हो, बोरिया? नहीं, बोर से बोरिया मत समझना, कुछ खाने वाली चीज नहीं है कि नीला नीला बोरिया है, नहीं, नील्स बोर एक व्यक्ति था। ठीक है, उसने क्या कहा कि भाई रदरफोर्ड सही है, उसने कुछ गलत नहीं बताया, उसके चेलों ने और उसने सही बताए हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन है ना, ये हर जगह नहीं घूमते। जैसे ये परमाणु है इसके चारों ओर, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो यहाँ घूम रहा है, तो हर जगह नहीं मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक निश्चित ऊर्जा स्तर पे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। उनके अलग अलग नाम दिए, मैं आगे बताता हूँ। पहली बेसिक चीज समझने सको कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, हर जगह नहीं मिलेगा आपको, एक निश्चित ऊर्जा स्तर मतलब इसमें घूमेगा ना, केवल इसी में ही घूमता रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, और यहाँ बीच में नहीं मिलेगा, फिर एक अलग ऊर्जा स्तर आएगा, वहां पे घूमेगा। इन ऊर्जा स्तर की विशेषता क्या है? इन ऊर्जा स्तर की विशेषता ये है कि यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होता, यहाँ पे जो एक बार घूम गया तो वो घूमता रहेगा। एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल आपने देखे हैं, यहाँ पृथ्वी से उपग्रह भेजते हैं तो एक निश्चित कक्ष में ले जाके उनको छोड़ देते हैं। भाई साहब, यहाँ से भेजा सैटेलाइट, एक निश्चित कक्ष में ले जाके छोड़ दिया, फिर वो अपना आप घूमता रहता है। आपकी पृथ्वी तो घूम रही है, पृथ्वी कभी सूर्य के अंदर घुस गई है? कभी सुना है आपने कि हमारी पृथ्वी सूरज के पास जा रही है? नहीं, कुछ ऐसा एनर्जी कोसेस होते हैं जहां पे कुछ चीज को रख दो तो वो घूमती रहेंगी, उसमें लॉसेस, ऊर्जा का लॉस नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे परमाणु में जो नाभिक है उसके आसपास इस कुछ ऊर्जा स्तर होते हैं जहां पे ही इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो निश्चित ऊर्जा स्तर पे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। उनके नाम क्या दिए थे, KLM या 1, 2, 3, 4 ऐसे दिए थे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जैसे एग्जांपल रखना याद में, कौन सा, धरती वाला। देखो आप छोटे से, हम देखो, सौर मंडल को समझना है तो परमाणु को समझ लो, और परमाणु को समझ लिया तो सौर मंडल भी समझ में आ जाएगा, है ना, तो अच्छे समझ में आया होगा। अब नील्स बोर ने क्या क्या बातें की थी, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। अब देखो, बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो वीडियो आप शेयर नहीं कर रहे यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, और जाके हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करो, वहां पे भी बहुत सारा मटेरियल है। आप जुड़ नहीं रहे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहां पे मैं डेली आपको मटेरियल अवेलेबल कराता हूँ, क्वेश्चंस अवेलेबल कराता हूँ, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट केशव भानु क्लासेस सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए, ट्विटर, टेलीग्राम, चाहे अपने गूगल पे सर्च कीजिए तो हमारी वेबसाइट आ जाएंगी, फेसबुक पे कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए, जगह जगह शेयर कीजिए, अपने फैमिली को और आगे बढ़ाए, ताकि आपको और अच्छा कंपटीशन फील हो, और अच्छा मटेरियल निकले, और हमारा बेहतर आपकी तरफ प्रयोग रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, देखो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, रामायण खत्म, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, पर पसंद आ रहा है तो फिर लाइक बनता है यार, आपके लाइक हमें प्रोत्साहन देता है यार, ऐसी बात है। चलो, ये तो थी यार प्रमोशन की, थोड़ी बातें करनी पड़ती है ना, है ना, कोई नहीं, अब बात करते हैं नील्स बोर की, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, नील्स बोर ने क्या क्या कहा मैं आपको अब वो बताता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं, क्या क्या परिकल्पनाएं थी, नील्स बोर ने क्या क्या कहा था 1913 में। देखो, पहली चीज, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेश कण प्रोटोन उपस्थित होता है। प्रोटोन की नामकरण हो चुका है, रदरफोर्ड ने नामकरण कर दिया था, तो इन्होंने क्या कहा कि परमाणु के केंद्र में ही होता है, नाभिक होता है, पहली बार क्या बताया, नाम दिया नाभिक, परमाणु के केंद्र में, इसको क्या कह दिया उन्होंने, नाभिक, ये क्या होता है, नाभिक होता है, है ना, इसमें धनावेश कण क्या होते हैं, प्रोटोन होते हैं। ठीक है, अभी तक कहीं भी न्यूट्रॉन की बात आई नहीं है, और ये आएगी भी नहीं, क्योंकि 1932 में जाके न्यूट्रॉन खोजा गया था, जेम्स चैडविक ने खोजा था, करेंगे उसकी बात, उसकी खोज का दिमाग कहां से आया था वो भी हम बात करेंगे। ठीक, अभी ये समझ लो कि प्रोटोन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, चार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा, निश्चित त्रिज्या, त्रिज्या क्यों कह रहा हूं मैं, यहां से केंद्र से नापूंगा तो कोई त्रिज्या होंगी ना, है ना,
तो निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथों पर ही गति करते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है कक्षा, कहा जाता है कोश, कहा जाता है ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षा, कोश और ऊर्जा स्तर। ठीक है, ध्यान रखना। इन कक्षा को एन से दर्शाया जाता है। किन से दर्शाया जाता है? एन से। कि कौन सा कक्षा है? एनवी कक्षा है। इनका नाम, इनका जो मान होता है हमेशा पूर्णांक होता है, मतलब एक निश्चित संख्या होगी। कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5 सोन, इस तरह चलती रहेंगी। और या कभी कभी इनको है ना एन से नहीं दर्शाते, कह देते हैं कि के वा कक्ष, एल वा कक्ष, एन वा कक्ष, ओ पी एस, ऐसे चलता रहता है। तो ये एक का मतलब क्या है? के है। दो का मतलब क्या है? एल है। तीन का मतलब क्या है? एम है। चार का मतलब एन, इस तरह आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो कहीं के एल एम एन कोस दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, वो 1, 2, 3, 4 ही पर है। ठीक है, ये बात हुई तीन परिकल्पनाओं की। बाकी परिकल्पना भी है, वो भी देखो, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं आगे की क्या परिकल्पनाएं हैं। ठीक है, चौथी परिकल्पना देखो। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR, कोणीय संवेग क्या होता है इसके बारे में हम फिजिक्स के चैप्टर के टाइम पढ़ेंगे। उसके लिए पहले संवेग समझना पड़ेगा, संवेग से फिर कोणीय संवेग में आया है ना। ये कोणीय संवेग क्या चीज है थोड़ा बहुत बताऊंगा जब मैं आपको कुछ वर्ताकार चीजों के बारे में अध्ययन कराऊंगा, वर्ताकार मोशन के बारे में, वर्ताकार पथ के बारे में। ठीक है, तो अभी इतना ध्यान रखो, बस इस लाइन को याद कर लो, इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछी जाती है, 10वीं में बहुत बार पूछी गई है और 10th तक की तो आपसे पूछी ही जाएंगी क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो, फर्स्ट ग्रेड वो भी है ना। चलो, तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR, कोणीय संवेग या MVR क्या होना चाहिए? h/2π, या तो h/2π हो या उसका गुणज हो। ये कैसे हो सकता है गुणज? 2h/2π हो सकता है, 3h/2π हो सकता है, या मैं कहूं nh/2π होता है। ध्यान रख लो माइंड में, यहाँ पे ये h क्या है? प्लांक स्थिरांक है। एक प्लांक नाम का व्यक्ति था, उसके उसको सम्मान देने के लिए ये प्लांक कांस्टेंट बनाया गया था, प्लांक स्थिरांक है। ठीक, तो h/2π, ध्यान रखना इस चीज को। बहुत बार पूछा गया है कि ऊर्जा के कौन से स्तरों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है? जिनका कोणीय संवेग MVR यानी कोणीय संवेग h/2π या h/2π का गुणज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती, कोई बढ़ोतरी नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। एक निश्चित में लगा रहा है ना, तो उसमें बस वही ऊर्जा रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी ना कोई बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखो नई चीज क्या है, ये नई चीज है। मान लो ये पहला ऊर्जा स्तर था, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, तो दूसरे ऊर्जा, सॉरी सेकंड जो ऊर्जा स्तर है उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं 1 से 2 नंबर में चला जाऊं, एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं 1 से 2 नंबर में चला जाऊं, इसके बीच में तो कहीं रह नहीं सकता, स्टेबल ही नहीं, 1 से 2 में चला जाऊं, तो कम से ऊपर वाले में जाने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करेगा? सॉरी, 1 से ऊपर जा रहा है ना, इस तरह कर लो। ठीक है, इसको यहां मिटा लो। 1 से क्या जा रहा है? 2 में जा रहा है। तो एक अपने से ऊपर लेवल में जाने के लिए, मान लो आप बिलो पॉवर्टी हो, बिलो पॉवर्टी मतलब आप गरीब हो। ठीक है, आप गरीब से थोड़ी और स्टैंडर्ड अपना ऊपर करना चाहते हो, तो आपको अमीर होने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिएगा ना, है ना, वही काम है। इसको क्या चाहिए? इसका पैसा क्या है? ऊर्जा। तो ये क्या कर रहे हैं? ऊर्जा अवशोषण करेंगे। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी वो लेता है एनर्जी। ठीक है, अब मान लो कि कोई यार के ऊपर से क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, 2 नंबर से 1 में आ रहा है। मान लो तो क्या करना पड़ेगा? कोई सट्टा में हार गया तो वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। डूब जाने का मतलब उसका पैसा चला गया। तो यहाँ पे ऊर्जा, इसका पैसा क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा क्या क्या होगा? उत्सर्जन। ध्यान रखने, बस ये चीजें थी इंपोर्टेंट नील्स बोर के बारे में, 6, 5 और 1, 6 चीजें थी जो इंपोर्टेंट थी, मैंने आपको बता दिए। नोट्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, ट्विटर पे नहीं मिलेंगे साहब, क्योंकि वहां पे नहीं दे सकते ना पीडीएफ। तो ये आपको पता चल के कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, आप जरूर जरूर लेना। अभी नहीं मिलेंगे, अभी मिल भी जाए क्लास के 2-3 क्लास 3-4 क्लास होते हैं उसके बाद अवेलेबल कराऊंगा, नहीं तो थ्योरी पहले के क्लासे तो होनी चाहिए। तो
थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ मैं, लंबा इसलिए खींच रहा हूँ, आराम से पढ़ो यार चीजें, अभी टाइम में है, अभी शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हो तो पढ़ लो, क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में आ जाए तो आप फंसो नहीं, इसलिए नहीं तो मैं इन्हीं चीजों को एक क्लास के 10 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं खत्म कर सकता हूँ 10 मिनट में भी खत्म कर दूं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दूं, पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा उनसे टच में आए, चीजों के टच में आएंगे तब लंबे टाइम तक याद रहेगा आपको, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, परमाणु के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटोन होता है, इतना अभी तक पढ़ा है, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमते हैं, ठीक है, इतनी सी कहानी पढ़िए। अब देखो इसके बाद एक और मॉडल आता है हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता का नियम, वो हम मैं थोड़े दिनों बाद थोड़ा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ, पहले कुछ चीजें और पढ़नी होंगी, हमें जानना होगा नाभिक क्या होता है, क्या होता है नाभिक में, क्या प्रोटॉन होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या न्यूट्रॉन होते हैं, क्या इनका चार्ज होता है, क्या इनका आवेश होता है, कौन इसके खोज करने वाले थे, क्या खोज करने की कोई ट्रिक याद है, तो डेफिनेटली ट्रिक है, क्या और चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो पहले पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास का जनाजन, ठीक है। और रीजनिंग की भी जल्द से जल्द स्टार्ट करने का हमारा प्रयत्न रहेगा, मैथ के हमने कर दी है, जाके प्लेलिस्ट में जाएं आप सर्च कीजिए फर्स्ट ग्रेड मैथ, तगड़ी तगड़ी क्लासें हैं, 16-17 क्लासें हैं, लगभग लगभग 8-9 घंटे की क्लास है, उसमें पूरी मैथ मैंने कंप्लीट करा दी है, उसे देखिए ज्यादा से ज्यादा। रीजनिंग आने वाली है, थोड़ी दिनों में इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे, सब स्टार्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे अक्टूबर से पहले पहले, बस आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, कमेंट कीजिए उससे भी ज्यादा। तब तक के लिए अलविदा, नए लेक्चर के साथ कल हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।